तो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ भिखारी देश पाकिस्तान के कुछ फनीएस्ट अचीवमेंट्स के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे भिखारी देश पाकिस्तान के कुछ फनीएस्ट अचीवमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने सारे वीडियोस मेरे देखे जो मैंने अपलोड किए थे, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब भी किया, तो थैंक यू सो मच। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम बहुत सारे फनीएस्ट चीज़ होने वाला है। तो गाइस चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वेलकम टू माई चैनल रोड टू रोस्ट, एंड दिल थाम के बैठ जाएगा और अपने साथ पॉपकॉर्न वगैरह जो भी आप लेके बैठ जाते हो सब आप लेके बैठ जाएगा। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो गाइस चलिए आइए देखते हैं भिखारी देश पाकिस्तान के फर्स्ट अचीवमेंट क्या है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों गाइस शॉक हो गए ना, देखा आपने इनका पहला अचीवमेंट जो भिखारी देश पाकिस्तान है इनका पहला अचीवमेंट द फर्स्ट अचीवमेंट इनका क्या है। तो आगे और भी है गाइस जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे और फनीएस्ट अचीवमेंट जो भिखारी देश पाकिस्तान ने की है। तो वो क्या क्या है और कौन से है ले आइए देखते हैं। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Once more. ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो देखा गाइस आपने जो सेकंड अचीवमेंट भिखारी देश पाकिस्तान ने की है, मैं जानता हूं कि आपके पेट में जो है गुदगुदी होने लगी है और आपकी जो है हंसी छूट रही है। तो गाइस और भी इनके अचीवमेंट्स हैं जो भिखारी देश पाकिस्तान के जो है तीसरा अचीवमेंट्स हम देखेंगे इस अचीवमेंट्स को देखने के बाद। तो गाइस मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी हंसी को जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे इनके थर्ड अचीवमेंट को सुनने के बाद। यकीन नहीं होता, आइए देखते हैं। वो तो अगर जहर भी लेना चाहे खुदकुशी के लिए तो शायद वो भी नहीं कर सके, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे जहर खरीदने के। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। या व्हिच मींस दैट यू आर पाकिस्तानी। या यू आर पाकिस्तानी। या ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों गाइस हंसी आ रही है ना। तो गाइस यहां तक इनका बंद नहीं होता है, इनका फोर्थ अचीवमेंट भी आप सुन लो क्योंकि इनका और बहुत सारे अचीवमेंट्स आगे आने वाला है। भिखारी देश पाकिस्तान का जो अभी फोर्थ अचीवमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं इसको देखने के बाद आप खुद जो है कहेंगे कि भाई इनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, क्योंकि यार इनके जो मीडिया में है ना इन्होंने बिगेस्ट अचीवमेंट्स किया है। भिखारी देश पाकिस्तान की जो मीडिया है उन्होंने इतने बड़ा अचीवमेंट किया है। भिखारी देश पाकिस्तान के मीडिया वालों ने क्या अचीवमेंट किया है आइए देखते हैं। न्यूज़ लाहौर। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस देखा आपने भिखारी देश पाकिस्तान के जो फोर्थ अचीवमेंट है जो इनके भिखारी देश पाकिस्तान के मीडिया ने अचीवमेंट किया है। इनके जो फोर्थ अचीवमेंट देखने के बाद और भी बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप और देखने को मिल जाएगा आपको कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है। तो पांचवा अचीवमेंट हम देखने वाले हैं भिखारी देश पाकिस्तान ने क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पे पांचवा किया है, कौन सा है क्या है चलिए आइए देखते हैं। आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आपके मम्मी मुझे चूसने। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अंदर ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जरदारी नवाज शरीफ ये बिल्कुल चोर है। जरदारी 3 साल हो गया वो तो बेनचोद का बच्चा बीबी का भी नहीं बोलते कि हमारा बीबी किसने मारा है, इतना गांड आदमी यार। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस भिखारी देश पाकिस्तान के जो है सिक्स्थ अचीवमेंट मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ जिसमें आप ये देखने के बाद आपके जो है हंसी छूटने से आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यकीन नहीं होता चलो आइए देखते हैं। की हर ये
ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वंस मोर दुरुन इस्तेमाल की हर करे वायो गीता, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस, आपने अभी देखा भिखारी देश पाकिस्तान का जो है 6th अचीवमेंट क्या था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं भिखारी देश पाकिस्तान का जो है 7th अचीवमेंट, जिसमें भिखारी देश पाकिस्तान का भिखारी इमरान खान खुद गिर जाता है नीचे। यकीन नहीं होता, मैं भी पहले यकीन नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद मैं यकीन कर चुका हूँ। अभी आप देख लो, आपको ये भी यकीन आ जाएगा कि ये कैसे गिरा यहाँ पे। चलो देखते हैं। Former cricketer was due to make a speech when he fell. His aides rushed him to a hospital nearby. His injuries are said to not be life-threatening. ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस, भिखारी देश पाकिस्तान का जो आता है अभी 8th अचीवमेंट, और वो क्या है आइए देखते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मंसूर है। बाल तो पीछे गए जी, बाल तो अपने पीछे गए। क्यों? समझ रहे हो ना? जो चीज देखनी है वो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस, यहाँ पे जो है भिखारी देश पाकिस्तान का जो है 9th अचीवमेंट में आपको दिखाने से पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो में, यानी जो आने वाला वीडियो में, उसमें आपको ये जो है भिखारी देश पाकिस्तान की जो एक मीडिया है उसमें एक रिपोर्टर बोलती है कि क्या भारत जंग के लिए तैयार है, क्या भारत जंग के लिए अभी तैयार रहेगा। तो ये हमें बोल रही है, हम भारत को चैलेंज कर रहे हैं जंग के लिए। तो मैं, आप और सब हिंदुस्तानी उसको सिर्फ एक ही जवाब दे सकते हैं, और वो क्या है आप खुद देख लीजिए। भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो गाइस, मैं इस भिखारी देश पाकिस्तान के जो रिपोर्टर है अभी जो बता रही थी, उसको मैं बस यही रिप्लाई देख सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस यही रिप्लाई उनको देना है, तो आप यार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के भेज देना, और आपके पास और कुछ अलग कमेंट्स लिखने को है तो वो भी आप लिख के भेज देना इसके रिगार्डिंग, कि आप इसको क्या रिप्लाई देना चाहोगे। ठीक है, तो गाइस आगे हम जाते हैं कि आगे हम देखते हैं कि इनका जो 10th अचीवमेंट, यानी भिखारी देश पाकिस्तान का जो 10th अचीवमेंट है, वो सब भिखारी देश पाकिस्तान का जो है भिखारी मीडिया रिपोर्टर का है, और वो क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने किया है, भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी मीडिया ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, चलो देखते हैं। वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की, भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तुम्ही से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन में क्या बदतमीजी की है? जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर आप आइए, बुजुर्ग आप आइए, कोई मसला होता है मार्केट पे आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? कौन और हमने जो है ना हत्ती बोट लगाई, मन के हत्ती लगाई, बच्चा था खत्म हो गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको, ये देखिए ये है इनका एटीट्यूड, ये है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वंस मोर ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? ये गाय शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी जानवर के लिए सीढ़ियां चढ़ना या सीढ़ियां उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस, भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी मीडिया के इस अचीवमेंट्स को देखने के बाद आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रहेगा। हम्म
तो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी बीडिया में 11th अचीवमेंट्स क्या है और वो कौन से है। चलिए आइए देखते हैं। बस करो, किसी की बर्दाश्त नहीं, मैं भी करता हूँ, तो बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों गाइस हंसी आई ना? तो गाइस अभी जो है इनका जो मैं दिखाने वाला हूँ भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी मीडिया में 12th अचीवमेंट क्या है और कौन से हैं, और इसको देखने के बाद आप ऑब्वियसली यही कहोगे कि यार इनके यानी भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी मीडिया में ऐसे ही चलता है। तो ये क्या अचीवमेंट इन्होंने किया है, आइए देखते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। या तो मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। Once more! मुंबई हमलों के बाद एक बार फिर पाक भारत तालुकात खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राबता किया है मारूफ तज्जियाकार तलत हुसैन से। जी तलत साहब, सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि अगर भारत ने दबाव बढ़ाया तो फौज कबायली इलाकों से निकालकर सरहद पर भेज दी जाएगी। आप क्या समझते हैं सूरत हाल किस जानिब जा रही है? ये भी पहले मेरी बात सुन लीजिए कि आपने गलत आदमी को कॉन्टेक्ट कर लिया है। मैं वो तज्जिया निगार तलत हुसैन नहीं हूँ, मैं तलत हुसैन आर्टिस्ट। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस अभी मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाने वाला हूँ इनका 13th अचीवमेंट भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी मीडिया में इनका 13th अचीवमेंट क्या होता है। यहाँ पे जो एक खुल्लम खुल्ला गाली दिए जाती है वो भी लाइव शोज में, जहाँ पे इनको इतना भी दिमाग में ये समझ नहीं आता है कि पूरी दुनिया यहाँ पे इनकी जो है ये लड़ाई देख रही है और गाली बकने का सब वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको इनका 13th अचीवमेंट जहाँ पे भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी मीडिया में खुल्लम खुल्ला गाली दिए जाती है वो भी लाइव शो में, यकीन नहीं होता, आइए देखते हैं। सुअर उन्हों का पत्थर तेरी माँ भी तो गोलियां। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वंस मोर सुअर उन्हों का पत्थर तेरी माँ भी तो गोलियां। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रश्मि लोग कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो गाइस भिखारी देश पाकिस्तान के भिखारी मीडिया के 14th अचीवमेंट हम अभी देखेंगे, आइए देखते हैं। मदारी बंदर और बंदर के बच्चे को नचाकर अपने लिए दो वक्त की रोजी कमाते हैं। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजी कमाना मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ वसीम हैदर, समा, कराची। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गाइस अभी मैं आपको भिखारी देश पाकिस्तान का जो है आखिरी अचीवमेंट यानी 15th अचीवमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो फनीएस्ट है, और जिसमें इस वीडियो को देखने के बाद सब भारतवासियों का सिर्फ एक ही प्रश्न रहेगा, और वो प्रश्न क्या रहेगा, आइए देखते हैं। जंग जारी है मोदी, इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। अच्छा, तुम लोग कश्मीर में भी जीतोगे? अरे वो बंदर जैसे शक्ल दिखने वाले इंसान, मुझे एक बात बताओ, कश्मीर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वंस मोर जंग जारी है मोदी, इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। अच्छा, तुम लोग कश्मीर में भी जीतोगे? अरे वो बंदर जैसे शक्ल दिखने वाले इंसान, मुझे एक बात बताओ, कश्मीर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
गाइस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है। अगर यार पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना, क्योंकि जो है मेरे जो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको अगले वीडियो का वो आपको मिल जाएगा जब भी मैं आपको जो है वीडियोस अपलोड करूंगा यहाँ पे। और साथ ही साथ गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेज देना जय हिंद और वंदे मातरम करके, और हाँ अपना फेवरेट पार्ट भी मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेज देना, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और साथ ही साथ उसको रिप्लाई भी आपको दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही वीडियोस, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी ऐसा वीडियोस है जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार रोस्ट बनना है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में उसमें भेज सकते हो और मैं आपका कमेंट्स में ज़रूर पढ़ूंगा। उतना ही नहीं गाइस, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का और ट्विटर का तीनों का लिंक वहाँ पर दिया है, तो आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस वीडियो बंद करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे वीडियोज़ देखने के लिए दिया। तो गाइज मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।